सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले एक कर्मी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर से है, जहां एक संविदा कर्मी पर खुद को डॉक्टर बताते हुए अस्पताल में बैठे और मरीजों से दबाव बनाते हुए बाहर की दवा खरीदने को विवश करने का आरोप लगाया जा गया है। इतना ही नहीं, आरोप है कि रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात संविदा कर्मी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाता है और हिंदू धर्म के विरोध में अभद्र टिप्पणी करता है, जिसके बाद कई संगठनों ने इसका विरोध जताते हुए संविदा कर्मी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु महाराजगंज के कुल्ही थाना तथा नौतनवा थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बताने की महाराजगंज के नौतनवा तहसील अंतर्गत ग्राम सभा सेखुआनी निवासी शत्रुधन सिंह के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज को शिकायती पत्र देकर संविदा कर्मचारी के खिलाफ विधिक कार्रवाई व तबादले की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ कुल्ही थाने में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु तहरीर भी दी गई है, जिसके बाद नौतनवा थाने में कई संगठनों द्वारा संविदा कर्मी द्वारा किए गए कृत्यों का विरोध जताते हुए तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है, सीएससी रतनपुर के राम प्रसाद गौतम जी जो लेप्रोस्कोपी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पे हिंदू धर्म को सनातन धर्म को लेके भ्रम वाले पोस्ट डाले जा रहे हैं, हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज थाने में नौतनवा थाने में आके उनके खिलाफ एक तहरीर दिया है और SHO साहब से निवेदन किया है कि वो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें।